आजा। भैया तूने भी आज ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुत्तों से वफादार और कोई नहीं। अब मेरा सीक्रेट ओपन हो गया है तो तुझे क्लोज होना होगा। सॉरी। मैंने इसे कहा था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखो ओम नमः शिवाय। जैसा तुमने कहा था, मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत ले आया हूं। अब अपने वादे के अनुसार रितु को छोड़ दो। परिवार में किसी को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे मार दो पर रितु को छोड़ दो। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तूने मेरे किरपान में हाथ डालने की गुस्ताखी की है ना? तेरी तो अब हे। एक तो पहले ही शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है, उस पर तू मौत बनकर मंडरा रहा है। बहुत सताया तूने, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे बदला लिया। तेरा भाई आईएएस ऑफिसर और तू आर्मी ऑफिसर, हाँ? चुपचाप आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, लेकिन नहीं, तुम दोनों भाइयों को देशभक्ति की खुजली जो लगी है, है कि नहीं? हे शेर, तू तो भीगी बिल्ली बन गया रे। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा दिलाऊं मैं? हमने तेरे भाई को मरवाया। उसे मारकर सुसाइड का रूप देने वाले हम दोनों हैं। गुस्सा नहीं आ रहा है? हाँ? गुस्सा नहीं आ रहा? तुम चाहे मेरी जान ले लो। रितु को छोड़ दो। ए, तू, मुझे तो लगा था कि तू शेर है, चूहा निकला। भैया जाने दो इसे, मर गया ये, छोड़ा। देख क्या रहा बे, इसकी पिक्चर खत्म कर। सारी गोलियां उसके अंदर उतार देना, वो कोई आम इंसान नहीं है, शेर है। बब्बर शेर। भैया ये क्या, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर? शेर साइलेंट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो थक गया, इसका मतलब वो अगले वार की तैयारी कर रहा है।
मैं चाहता था कि तुम 15 मिनट टेंशन में रहो। जानते हो क्यों? तुम्हारी पोल खोलने के लिए, जिसे अभी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं तो बस नाटक कर रहा था। अगर देश के सैनिक बिकने लगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने तुम्हारी मदद की सिर्फ तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए, मुझे कोर्ट मार्शल करने के लिए नहीं।